चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले वीडियो का दर्शन आपको सबसे पहले हो सके। धन्यवाद। सिराजे हिंद जौनपुर की सरजमी पर सुख समृद्धि और दीपोत्सव का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया। बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक सभी ने अपने अपने ढंग से इस उत्सव को मनाया। वहीं धनतेरस के दिन कई स्थानों पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गईं और शाम को पूजन अर्चन के बाद उनका दरबार भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। 5 दिन तक चलने वाले इस पूजनोत्सव का प्रतिनिधित्व 34 वर्षों से श्री लक्ष्मी पूजा महासमिति कर रही है। इस बार भी महासमिति के नेतृत्व में लगभग 50 से अधिक पूजन पंडाल बनाए गए थे, जहां पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की आराधना की गई। जौनपुर शहर में चर्चित यह पूजनोत्सव 34 वर्ष पूर्व सन 1984 में शुरू हुआ था। इसके संस्थापक सुशील वर्मा गोरखपुर में एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने यह पूजा अर्चना देखा तो उनके मन में भक्तिभाव जागृत हुई। वापस लौटकर उन्होंने इस जनपद में पूजा की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ा और आज 34 वर्षों में महासमिति के नेतृत्व में लगभग 50 से अधिक स्थानों पर यह पूजा पाठ किया जाता है। वर्ष 1984 के पहले मेरी मुलाकात गोरखपुर में कुछ रिश्तेदारों से हुई। मैं वहां गया, उसके बाद मैंने देखा वहां दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजनोत्सव के प्रतिमा स्थापित की जाती थी, विसर्जन भी होता था, तो मेरी समझ में बात नहीं आई। मैंने सोचा कि दुर्गा पूजा का ही माहौल है। उसके बाद मैं बस्ती आया, बाराबंकी आया, तो मैंने वहाँ भी इस प्रथा को देखा। तो यद्यपि जौनपुर में केवल दुर्गा पूजनोत्सव की ही बात होती थी, छोटे मोटे स्तर से होती थी, इतने बृहद स्तर से जो आज है वो कभी नहीं होता था। तो एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों न दीपावली के इस मौसम में, जहाँ पर लोग कहते हैं कि लोग जुआ खेलना शुभ है, लोग कहते थे कि ये करना शुभ होता है, कुछ बुराइयों को लोग धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिए थे, तो हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि जुआ खेलना शुभ है, जुआ खेलना तो ये गलत बात है, कानूनी पॉइंट से भी ये गलत है। तो ऐसे में अगर हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे लोग इसी में व्यस्त रहें, तो हमारे मन में एक बात आई कि लक्ष्मी पूजनोत्सव की शुरुआत किया जाए। 5 दिन तक चलने वाले इस पूजनोत्सव में स्थापना के बाद धनतेरस के अगले दिन यानी छोटी दीपावली, दीपावली और उसके एक दिन बाद जमाघंट के दिन तक मूर्ति स्थापित रहती है। कुछ पूजन पंडालों पर देवी जागरण भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। नगर के ओलनगंज में स्थित नवदीपक संस्था के पदाधिकारियों ने पूजन के चौथे दिन देवी जागरण का आयोजन किया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। में सबसे पहले फल वाली गली में हुई, उसके बाद एक दो संस्था बनी, उसके बाद तब मेरे मन में एक बात आई कि एकता और अखंडता की कड़ी मजबूत कैसे होगी। कोई अपने मन से विसर्जन कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इससे तो अच्छा यह है कि अगर एक महासमिति बन जाए तो उसके नियंत्रण में सभी समितियां कार्य करें। तो वर्ष 1984 में मैं इस संस्थापक के रूप में लक्ष्मी पूजा महासमिति का मैंने स्थापना किया। 5वें दिन सभी समितियां विसर्जन के लिए शोभायात्रा लेकर अहियापुर मोड़ पर पहुंचती हैं, जहां समितियां एक से एक सुंदर शोभायात्रा लेकर आती हैं। महासमिति के नेतृत्व में कोतवाली चौराहे पर कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जहां से पूरे शहर में माइक्रोफोन के माध्यम से इस मेले को संचालित किया जाता है। कंट्रोल रूम पर ही विसर्जन के दिन निर्णायक मंडल के सदस्य मंचासीन रहते हैं।
जो इन शोभा यात्राओं को वरीयता के अनुसार उसे अंक देते हैं, जिसके आधार पर इन्हें अगले सत्र में पुरस्कृत किया जाता है। अहियापुर मोड़ से मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद शाम को वहां से शोभा यात्रा विसर्जन घाट के लिए प्रस्थान करती है। भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए भक्त सब्जी मंडी, कोतवाली चौराहा, चारसू चौराहा, साहिब पुल, ओलनगंज गुरुद्वारा, कजगांव पड़ाव, नखास गली होते हुए विसर्जन घाट तक पहुंचते हैं, जहां पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती की आरती के बाद उन्हें शक्ति कुंड में विसर्जित कर विदा कर दिया जाता है। अंकित जायसवाल, जौनपुर लाइव।